एक्चुअली थोड़ा सा जो है ना, अगर आप, मुझे पता है हम कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी डे मनाते हैं और आज का दिन उसी हवाले से कैलेंडर में मार्क्ड होता है, लेकिन हमेशा से अगर आप हिस्ट्री में देखें ना, तो जहाँ पे भी स्ट्रगल रही है और आज़ादी की स्ट्रगल रही है, उसका बहुत सारा ताल्लुक आपकी मईशत से होता है, आपकी इकोनॉमी से होता है. कश्मीर का खिता और खासतौर पर जो मकबूजा कश्मीर है, उसका खिता मशहूर है अपने क्राफ्ट के हवाले से, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो शोले हो, चाहे वो चांदी का काम हो, लकड़ी का काम हो, तो उनके पास वो स्किल, वो हुनर है जो पूरी दुनिया में माना जाता है. वो पेजली प्रिंट जो एक पैटर्न है, जो इसमें भी आपको नजर आ रहा है, ये पूरी दुनिया में इसको, हालांकि ब्रिटिश रॉयल्टी ने भी अपना लिया, लेकिन इसको आप देखते ही आपको पहला ख्याल कश्मीर का ही आता है. तो जो हालात इस वक्त वहां पर हैं और जिस तरह से उनको दबाया जा रहा है, उनकी मईशत को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी सहाफत को बर्बाद किया जा रहा है, तो ये जब आपने किसी को वाकई इस पे हुक्मरानी करनी हो ना, तो पहले आप उसके पेट पर लात मारते हैं. एग्जैक्टली. तो ये लॉकडाउन जो है, और ये इतने सालों से और कई दहाइयों से जो सिलसिला चल रहा है, ये कंट्रोल करने का यही तरीका है कि आप उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. तो कतई नजर इस बात से कि जी पाकिस्तान का क्या मौकफ है और इंडिया का मौकफ है, आपने उन लोगों से उनका रोजगार, उनकी जिंदगी की एक नॉर्मल सी वो छीन ली है. आज भी अगर आप कहते हैं कि जी हमने किसी हद तक इंटरनेट खोल दिया, तो वो खानापूरी किया अपनी दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जो अभी भी एक्सेसिबल नहीं है. वहां से जो लोग बात कर रहे हैं कि जी मोबाइल फोन उन्होंने अगर खोल भी दिए, तो 2G की सर्विस उनको मिल रही है. अच्छा, कोई आपका कोई रिलेटिव है उधर जिससे आप ये डायरेक्ट नॉलेज ले सकती हैं? क्योंकि एक लॉकडाउन रहा है और डायरेक्ट कांटेक्ट कम हो रहा है, उसकी वजह से वो कहते हैं ना कि एक्सटेंडेड फैमिली के जरिए, जो कि दूसरी ममालिक में इस वक्त लोग रह रहे हैं जी, उनके जरिए पता चल रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा लोगों से. ओके लाइक ये है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट वहां से हो भी नहीं पा रहा, क्योंकि अगर आप देखिए आपने 2G की सर्विस दी है, तो उस पर लोग कह रहे हैं कि हमारी ईमेल तक नहीं खुलती, तो उनसे कॉन्टेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है.